बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले या कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। इस दोहे का अर्थ है, जब मैंने संसार में बुराई ढूंढी तो मुझे कहीं नहीं मिला, पर जब मैंने अपने मन के भीतर झांका तो मुझे खुद से ज्यादा बुरा इंसान नहीं दिखा। इस दोहे के लेखक हैं कबीर दास जी। कबीर दास जी ने अपने जीवन में अनेक प्रकार की कहानियां लिखी। इसके साथ ही कबीर दास जी के दोहे भी काफी प्रसिद्ध रहे, जो हम आज भी पढ़ते और सुनते हैं। कबीर दास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। उनके जन्म के संदर्भ में लोगों द्वारा अनेक प्रकार की बातें कही जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये जगत गुरु रामानंद स्वामी जी के आशीर्वाद से काशी के एक विधवा ब्रह्माणी के गर्भ से उत्पन्न हुए और ब्रह्माणी उस नवजात शिशु को लहरतारा ताल के पास फेंक गयी। उन्हें वहाँ के एक नीरू नाम का जुलाहा अपने घर लेकर आया और उन्होंने उनका पालन पोषण किया। बाद में इस बालक को कबीर कहा जाने लगा। कुछ लोगों का कहना है कि वो जन्म से मुसलमान थे और युवा अवस्था में स्वामी रामानंद जी के प्रभाव में उन्हें हिंदू धर्म की बातें मालूम हुई। एक दिन रात के समय कबीर दास जी पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े और रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे कि तभी अचानक उनका पैर कबीर जी के शरीर पर पड़ा और उनके मुंह से राम राम शब्द निकल पड़े। उसी राम को कबीर जी ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कुछ कबीर पंथियों का ये मानना है कि कबीर दास जी का जन्म काशी में लहरतारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर हुआ था। कबीर दास जी धीरे धीरे बड़े होने लगे तो उन्हें इस बात का भी आभास हुआ कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। वो अपनी अवस्था के बालकों से एकदम अलग थे। मदरसे भेजने लायक साधन उनके माता पिता के पास नहीं थे। जिसे हर दिन भोजन के लिए ही चिंता रहती हो, उस पिता के मन में कबीर जी को पढ़ाने का विचार भी कहां से आए। इसी कारण से कबीर जी अपना किताबी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके। कबीर दास जी संत, कवि और समाज सुधारक थे, इसीलिए उन्हें संत कबीर दास भी कहा जाता है। उनकी कविता का प्रत्येक शब्द पाखंडियों के पाखंडवाद और धर्म के नाम पर ढोंग और स्वार्थ पूर्ति की निजी दुकानदारों को ललकारता हुआ आया और असत्य अन्याय की पोल खोल कर रख दी। उनके द्वारा बोला गया था, कभी ऐसा जो आज तक के परिवेश पर सवालिए निशान बनकर चोट भी खाता था और खोट भी निकालता था। कबीर दास की भाषा शैली में उन्होंने अपने बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग किया है। भाषा पर कबीर जी का जबरदस्त अधिकार था। वो अपनी जिस बात को जिस रूप में प्रकट करना चाहते थे, उसे उसी रूप में प्रकट करने की क्षमता उनके पास थी। भाषा भी मानिए कबीर जी के सामने कुछ लाचार सी थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनकी इस फरमाइश को वो ना कह सके। वाणी के इस बादशाह को साहित्य रसिक काव्यांत का आस्वादन करने वाले समझते तो उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। कबीर जी ने जिन तत्वों को अपनी रचना से ध्वनित करना चाहा है, उनके लिए कबीर जी की भाषा से ज्यादा साफ और जोरदार भाषा की संभावना भी नहीं है। कबीर जी के जीवन के बारे में ये स्पष्ट था कि वो एक बहुत ही साधारण तरीके से जीवन जीने में विश्वास रखते थे। उनका परमेश्वर की एकता की अवधारणा में एक मजबूत विश्वास था। उनका एक विषय संदेश था कि आप चाहे हिंदू भगवान या मुसलमान भगवान के नाम का जाप करें, किंतु सत्य ये है कि ऊपर केवल एक ही परमेश्वर है जो इस खूबसूरत दुनिया के निर्माता हैं। कबीर दास जी ने काशी के निकट मगर में अपने प्राण त्याग दिए। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद उनके शव को लेकर भी विवाद उत्पन्न हो गया था। हिंदू कहते थे कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति के हिसाब से होना चाहिए और मुसलमान कहते थे कि मुसलमान रीति से। इस विवाद के चलते जब उनके शव से चादर हटाई गई, तब लोगों ने वहां फूलों का ढेर पड़ा देखा और बाद में वहां से आधे फूल हिंदुओं ने उठाए और आधे फूल मुसलमानों ने। मुसलमानों ने मुस्लिम रीति से और हिंदुओं ने हिंदू रीति से उन फूलों का अंतिम संस्कार किया। मगर में कबीर जी की समाधि है। उनके जन्म की तरह ही उनकी मृत्यु तिथि और घटना को भी लेकर मतभेद हैं। लेकिन अधिकृत विद्वान उनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी को मनाते हैं, लेकिन बाद में कुछ इतिहासकार उनकी मृत्यु को 1448 ईस्वी में मानने लगे। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।